Assalamu alaikum. I'm here again, Sajda Alapato, your science teacher. We're going to start today with the topic, our body. I have given you an introduction. Sub-topics, definitions, just a knowledge. We elaborate but again, हिकड़ी गाल बात आगे समझाएंगी हला तो मे बी सम ऑफ स्टूडेंट्स कैन टेक इट वेरी इजी एंड मे बी जे कि साइंस से स्टूडेंट्स ना हैं तो उन्हें जिला ही बेनिफिशियल हो जाए बिकॉज असा बिल्कुल बेसिक का स्टार्ट तक क्यों असा जो जेको स्टार्टअप है वो बिल्कुल बेसिक का हों तो हिते जेका बॉडी पार्ट्स या आर बॉडी ते जेके रिलेटेड पार्ट्स हैं उन्हें के डिस्कस करवा तो उन्हें के वधिक एलोबरेट ना है सो तो सभी के सभी से गड हलणो सभी जी नॉलेज से स्टार्ट करणो अगते वनी मुझे ख्याल में यो असल चैप्टर आया और बॉडी जो अगेन वरी इन सेवेंथ क्लास तो जी जैसे मूव करना सी क्लासेस ना तो पो असल जो टॉपिक्स यकीन वधिक एलोबरेट थींदा वेंदा हिते जेको उन टॉपिक्स के एडो एलोबरेट ना कयो जस्ट उन जो एकड़ो ओवरव्यू ॾिनो वियो आहे त कीअं असांजी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स कम था कनि So maybe for some student, it will be very easy, but it works for them. Jain jala science bilkul unan ki basic ka start kar liya. Okay, so I started my lecture with some questions. Why? Because asa inan sawalan ke risi karakte vadna si, to keda sawal asa sa related jake ayin, ya jain jo jawab asa ke agte inan jo mildo. How do parts work together to keep us alive asanda sab body parts kiye kam karna hai asange zinda rakhan je lai what makes your finger move asani fingers kiye move to kan why do your eyes blink asani eyes kiye blink kan di hain ye sab cheyun asange body sa asane body parts sa unhen je functions sa different organs sa related hai how do you breathe asa sa kiye khadna hai unhen jo amal kiye yo ek simple question hai how do you breathe asa sa kiye da khado बट इन जे पुठियां ऑर्गन्स आहिनि इन जे पुठियां सॼो फंक्शन आहे इन जे पुठियां सॼो रिस्पायरेटरी फंक्शन आहे व्हाट इज बॉडी नीड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ये सभु फंक्शंस परफॉर्म करण जे लाइ बॉडी में कहिड़ा ऑर्गन्स ऐं कहिड़ियूं शयूं मौजूदु आहिनि ओके ये सिर्फ़ु असां क्वेश्चनिंग जेका हूंदी आहे उहा रीज़निंग सां रिलेटेड आहे लर्निंग सां रिलेटेड आहे असांजे माइंड खे थोरो खोलण जे लाइ कुझु सुवाल हूंदा आहिनि जीअं असां उन्हनि जी खोज करे सघूं ऐं अॻिते Let's move. So here are some major body parts jeke asa aj discuss karda si. Human body is made up of many parts. Asanji insani body ilai mukhtalif hissan ma thayal hai. You all very well know. Sabni ji hik be sa coordination a. Ma first lecture mein bhi you discuss kayo ho. Ta agar heart aahe ta unhe jo lungs ka coordination kiye. Heart ek alag organ a. Unhe jo ek alag function a. Lungs ek alag organ aahe. Unhe jo alag function a. बट ॿिन्ही जी हिक ॿिए सां कॉर्डिनेशन कीअं आहे वरी मां तव्हांखे उहा शइ रिपीट कंदी हलां त हर्ट जेको आहे ब्लड पंप कंदो आहे बॉडी में त उनखे उहो ऑक्सीजनेटेड ब्लड खपे ऐं उहो सॼो बॉडी खे प्रोवाइड कंदो उहो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किथां थो अचे उहो ईंदो आहे लंग्स मां जेसी ताईं लंग्स ऑक्सीजन वठंदा बॉडी में ब्लड में ऑक्सीजन पहुचाईंदा पोइ उहो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जेको आहे हर्ट ॾे वेंदो आहे ईअं थी वई हर्ट जी ऐं लंग्स जी हिक ॿिए सां कॉर्डिनेशन ईअं ई असांजी बॉडी जा मुख़्तलिफ़ पार्ट्स हिक ॿिए सां कॉर्डिनेट करे डिफरेंट फंक्शन्स परफॉर्म कंदा आहिनि असांखे ज़िंदा रखण जे लाइ टू कीप अस अलाइव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैव डिफरेंट एंड Thank you.
Okay, let's continue with this. So here we're going to discuss different body parts: brain, stomach, teeth, ear, nose, lungs, heart, muscles and skeleton and skin. ये सब बॉडी ऑर्गन्स असांजा ना आहिनि, बट ये स्पेसिफिकली अगरि असां बेसिक खां स्टार्ट था कयूं त फ़िलहाल असां हिननि खे डिस्कस कंदासीं. जीअं जीअं अॻिते वधंदासीं त डिफरेंट ऑर्गन विद डिफरेंट फंक्शन्स असांजे साम्हूं ईंदा. स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन. ओके, सो ब्रेन ब्रेन हिकिड़ो स्ट्रक्चर मां हिते तव्हांजे साम्हूं रखियो आहे. सभिनी जे ज़हन में इहो हूंदो, बिल्कुलु हिकिड़ो बिल्कुलु सॉफ्ट स्ट्रक्चर हूंदो आहे, मस्कुलर टाइप हूंदो आहे, ऐं असांजे हेड रीजन में मौजूदु आहे. ब्रेन जो स्ट्रक्चर इलाही सॉफ्ट हूंदो आहे. उनजे मथां जेका उनजो कवर आहे उहो स्कल उनखे कवर कंदो आहे, ताकि उहो उनखे प्रोटेक्ट करे सघे कंहिं बि डैमेज खां या कंहिं बि इंजरी खां. बिल्कुलु सॉफ्ट पार्ट आहे. अगरि तव्हां कंहिं एनिमल जो ब्रेन ॾिठो हूंदो या ऑब्ज़र्व कयो हूंदो त बिल्कुलु उनजो जेको फ्लैशी पार्ट आहे उहो बिल्कुलु सॉफ्ट स्ट्रक्चर हूंदो आहे. अगरि उनखे हेड रीजन में कवर न हुजे त उहो ईज़ीली इंजर्ड थी सघे पियो. सो अवर हेड रीजन असांजो जेको सॼो स्कल आहे, जेके खोपड़ी चवंदा आहिनि, त उहो असांजे ब्रेन खे प्रोटेक्ट कंदो आहे. The part that controls function in our body. Again, I highlighted that function of brain in our first lecture, ke brain jeko aa wo body je different functions ke control kando aahe. Asani body mein cha thi raha hai, kedi movement karni aa, asa kade asumau da, kade jeko budhau da, jeko disau da, jeko sochau da, ya jeki bas ani memory aahe, ya jeka she asani yaad aahe, yo sab kuch asano brain control do kare. असांजो ब्रेन जेसि ताईं हिन में कमु करे थो, छो ईअं करे थो, थोरो सो अगरि मां तव्हांखे एलेबरेट कयां हिन स्लाइड खां अलावा, त असांजे ब्रेन में हूंदा आहिनि सेंसरी नर्व्स या चओ सेंसरी सेल्स. उहे जिथे बि असांजा जेके सेंसिस आहिनि, एदर हेयरिंग हुजे, सीइंग हुजे या टच हुजे, जिथे बि उहे सेंसिस उहे फील कंदा आहिनि कंहिं शइ जो सेंस, एदर टच जो हुजे, साइट ॾिसण जो हुजे, हेयरिंग ॿुधण जो हुजे, उहे मैसेज असांजा सेंसरी सेल्स पहुचाईंदा आहिनि ब्रेन में. ऐं इहो कमु थींदो आहे विद इन मिनी सेकेंड्स. जीअं ब्रेन ॾे उहे मैसेज पहुचाईंदा आहिनि त उन खां पोइ ब्रेन हुन ते कंट्रोल कंदो आहे या उनजो फीडबैक ईंदो आहे. हेयर वी डिस्कस दैट इट इज़ अ सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम. कंट्रोल सिस्टम आहे जेको डायरेक्ट कंदो आहे बॉडी जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ खे, हेयरिंग, सीइंग, थिंकिंग, फीलिंग, रिकोगनाइज़िंग, मेमरी, इहे सभु हिन में बॉडी कंट्रोल सिस्टम में अची वञनि थियूं. ठीकु आहे, हाणे अगरि सुवाल रही आहे त अगरि असां ॾिसंदा कीअं असां अखियुनि सां ॾिसंदा आहियूं ऐं असां ॿुधंदा कीअं एयर सां, थिंकिंग, हर जो इन्हनि लाइ ऑर्गन्स ॿिया आहिनि, बट उन्हनि खे कंट्रोल केरु थो करे, हिकिड़ो कंट्रोल मैकेनिज़म केरु आहे? ब्रेन आहे. कंप्यूटर में जीअं असां पढ़ंदा आहियूं त सी पी यू इज़ द मेन पार्ट, त ईअं ई उनखे हमेशह असां एग्ज़ाम्पल करे वठंदा आहियूं त असांजी बॉडी में जीअं ब्रेन आहे तीअं उन में सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कमु करे थो. Brain is placed between bones that protect it from injury. Brain is like soft part. Injury ke injury lai ya protect karan je lai skull jeko sajo bones jo jeko ikro ta che sako ta frame a asani head region me ikro frame a jin je andar strong. Okay, let's continue. Acha, that this is an information
फ्रॉम अ ब्रेन दैट एन अडल्ट्स ब्रेन वेट अबाउट 1.4 केजी करे अडल्ट मानो जो वेट जेको हुंदो आ वो 1.4 किलोग्राम हुंदो आ इंजरी टू ब्रेन कैन नॉट बी कर्ड एज इट कैन नॉट रीग्रो आफ्टर डैमेज एज असन ब्रेन कवर्ड आ स्कल सा बट इन केस अगर का इंजरी ब्रेन में लगी थी तो वो क्योर नहीं थी सके इट इज वेरी डिफिकल्ट इफ योर ब्रेन इज डैमेज्ड और इंजर्ड तो उन्हें के वरी रीट्रीट या वरी रीग्रोथ कयो वे फॉर सपोज असनी स्किन ते का इंजरी लगन या को जख्म थी ता असनी स्किन वरी रीग्रोथ ही दिया बोले केत्रो ब कट हुंदो आ त विदिन विदिन अ डेज और विदिन अ मंथ्स वो स्किन जे का हुआ वापस रिकवर थी दिया बट हते अगर असन जे ब्रेन के का इंजरी थी ती तो वो वापस उन डैमेज के या उन शेक या उन पीस ऑफ ब्रेन के रीग्रो न थो कर सके अच्छा वन मोर थिंग इज एडेड दैट अ हेडेक इज नॉट अ पेन इन योर ब्रेन ठीक है असा के जेको मथे में सूर पवंदो आ मोस्टली अगर किथे यो सवाल एम से अची तो वने तो उने जो असन जे ब्रेन सा कोई रिलेशन ना है हेडेक इज अ पेन ऑफ आवर हेड रीजन असन हेड रीजन जे असन जे मसल्स मस्कुलर पेन आ है जेको सिर्फ हेड रीजन में थे तो उन जो ब्रेन ब्रेन सा को रिलेशन ना है इट इज नॉट अ पेन इन आवर ब्रेन ओके Okay, the next part is stomach. Stomach is a J-shaped organ of the body. Stomach ahe cha. Stomach asan jade kaashe khainda hu. Asan ji digestion ja ikra ba part hunda hain. Ikro ata hunda mechanical digestion, ikro hunda chemical digestion. Mechanical digestion asan ji thindi ha mouth ka start. Mouth mein hi ad jeko asan food jeko intake kayun tha. To wo jeko change thi windo simpler form mein. To yo ad ka asan ji mouth mein विद हेल्प ऑफ अवर टीथ यू थी वो च्यूविंग के जरिए फूड के सिंपलर फॉर्म में चेंज करी वा मैकेनिकल डाइजेशन थी वही जैसे वो फूड वने तो स्टमक तीन उतं का केमिकल डाइजेशन शुरू थी उन फूड में जो केमिकल्स जो टॉक्सिक है जो बैक्टीरिया जो भी मटीरियल है वो उनमें डाइजेस्ट डाइजेशन में तक रिपीट कराया वापस वो शूं तो असें फूड में इंटेक क्या असें फूड में खपे वी वॉन्ट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आवर फूड हाँ असो फूड खाऊं उन्हें में न्यूट्रिएंट्स का अलावा जो शे एक्सेस में है कदें कदें अस इलाही एसिडिक शूं खाई वाइम इलाही स्पाइसी शूं खाई वाइम या अड़ो ड्रिंक्स वी वाइम जैमें एसिड हों उन्हें जैसे असि फूड में आहिन तो उन्हें के बॉडी में वनण के लिए बॉडी में या ब्लड में एब्जॉर्ब थे पेरू उन्हें डाइजेशन जरूरी है वह डाइजेशन थी असे स्टमक में फूड जैसे असे माउथ में स्वेलो थी वने तो एलिमेंट्री कैनाल में तो वह डायरेक्ट वो असे एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक में अच्छा स्टमक है स्टमक एक बैग लाइक एक शेप है जे शेप में होंगे जैमें फूड एंटर थी फूड उन्हें में कुछ टाइम स्टोर्ड भी हों स्टोर हों जैसी तीन उन्हें में जे भी जूसिस उन्हें में मिली करे उन्हें डाइजेशन कर अच्छा द क्वेश्चन अराइजेस के स्टमक में डाइजेशन किए थी या स्टमक ये एसिड एसिड्स के क्या ब्रेक डाउन करे तो या बैक्टीरिया के क्या किल करे तो स्टमक के अंदर जूसिस हों स्टमक की जो वॉल आ उन्हें में सिक्रेशन थी ठीक है वो सिक्रेशन छाजी होंगी है वो सिक्रेशन होंगी है स्टमक में HCl जी हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो छा कंदो आ HCl पांजी मिकदार सा फूड में जेत्रो टॉक्सिक आ वो ने के उने में खत्म कंदो आ उते ही एब्जॉर्ब कंदो आ उते ही किल कंदो आ ताकि अगते जो को फूड तो वने स्टमक खा पो इंटेस्टाइन में जो को सन फूड विंदो आंतन में उन्हें में को भी एसिडिक फॉर्म ना हो जी तो यो सजो कम जो आ वो स्टमक में ही परफॉर्म थेगा स्टमक उहो ही फूड अगते पास कंदो जेको टॉक्सिक फ्री हुजे जेको बैक्टीरियल फ्री हुजे जेमें अड़ो हार्मफुल शूं न हुजन मैकेनिकली सॉरी केमिकली उन जो कम छाए उनके ब्रेक डाउन कर उनके डाइजेस्ट कर उनके कन्वर्ट कर इनटू अ मिक्सचर ता अने के एकड़ो मिक्सचर जो फॉर्म दे सको ता
असां मिक्सचर में छा कंदा आहियूं, कुझु शयूं ऐड करे ऐं उनखे जूसी फॉर्म में चेंज कंदा आहियूं, उनखे स्मॉलर फॉर्म में चेंज कंदा आहियूं। त हिते बि स्टमक में ईअं ई असांजो कमु हलंदो आहे। फूड वी ईट ऑल गो डाउन टू स्टमक, जेको बि असां खाऊं था उहो असांजे स्टमक में वेंदो आहे। स्टमक इज जे शेप बैग, इट स्टोर फूड, असांजे फूड खे स्टोर कंदो आहे, ब्रेक डाउन कंदो आहे, फूड खे डाइजेस्ट कंदो आहे। कीअं डाइजेस्ट कंदो आहे, उन में जेके बि हार्मफुल टॉक्सिक मटीरियल आहे उहो स्टमक उन मां एब्ज़ॉर्ब करे वेंदो आहे, ऐं बाक़ी प्योर जेको अॻिते जेके न्यूट्रिएंट वारो खाधो आहे उहो इंटेस्टाइन में मोकिलींदो आहे, इंटेस्टाइन जीअं उहो बॉडी ताईं पहुचाए सघे। एंड कन्वर्ट्स इट इनटू लिक्विड लाइक मिक्सचर, मिक्सचर ठही वेंदो आहे जॾहिं बि स्टमक मां फूड पास थींदो आहे, त हिकिड़ो बॉलस टाइप मिक्सचर उन हूंदो आहे। इट पासिस फूड टू इंटेस्टाइन फॉर एब्ज़ॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द सेम थिंग इंटेस्टाइन में वञी करे एब्ज़ॉर्प्शन थियणी आहे न्यूट्रिएंट्स जी। न्यूट्रिएंट्स छा आहिनि? प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स। इन सभिनी जो एब्ज़ॉर्प्शन खां पहिरियों जेको फूड असांजे फिल्टर थी करे अचे थो या मिक्सचर थी करे अचे थो, त उहो बाए स्टमक थिए थो। ओके, ओवर ईटिंग और ईटिंग स्पाइसी फूड कैन काज ओबेसिटी एंड अल्सर। असांजे स्टमक में कुझु डिसऑडर या कुझु अहिड़ो चओ था अरेंजमेंट थोरी डिफरेंट थी वेंदी आहे, जंहिंजे करे ओबेसिटी या अल्सर थी सघे थी। ओबेसिटी छा हूंदो आहे? ओबेसिटी आहे ओवर वेट थियणु, वेट गेन करणु। अगरि असां ओवर ईटिंग कंदासीं या त पोइ असांजी बॉडी में ओबेसिटी काज थी सघे थी। अल्सर छा आहे? अल्सर वरी स्पाइसी फूड सां थींदो आहे, असांजी बॉडी में बर्निंग, सॉरी असांजे स्टमक में बर्निंग थिए। अगरि एतिरा स्पाइसी फूड हूंदो त उन में जेको जूसिस आहिनि या जेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड आहे उहो ई घटि थी वञे उन खां, त उहो असांजी बॉडी खे इफेक्ट करे सघे थो। उन समय बि असांखे मस्कुलर पेन थी सघे थो या बर्निंग थी सघे थी, या उन सां पोइ असांजी बॉडी जेका आहे उहो वधीक फूड या वधीक फूड इनटेक न करे सघे। अच्छा, वॉट इज द इंफॉर्मेशन हेयर रिटन इज स्टमक वर्क लाइक अ मिक्सचर। Juices in the stomach that digest food also help to kill bacteria that enters through our body. Again, same shay here, they repeat thal hai, jake asani stomach mein juices hunda hain. Acha, juices keda hunda hain? Hikro at the stomach mein paana hydrochloric acid hai, jake honne ke digest kare to. Secondly, stomach mein liver mokhlindu a bile. Asa jate liver discuss kayo si, tohne mein asa yo padeo, the liver jo jake waste product ha, uho bile juice ha. उहो बाइल जूस जीअं डाइजेशन जो प्रोसेस स्टार्ट थींदो आहे या स्टमक में फूड ईंदो आहे, त लिवर मां उहो बाइल जूस वेंदो आहे स्टमक में, जेको हुनखे हेल्प कंदो डाइजेशन में। सेकेंडली, पेनक्रियाज असांजी बॉडी में हिकिड़ो ऑर्गन आहे, उहो प्रोड्यूस कंदो आहे पेनक्रियाटिक जूस। त इहे सभु जूसिस मिली करे स्टमक में डाइजेशन कंदा आहिनि। ऐं पॉइंट जेको हिते एड थियल आहे टू हाईलाइट, त उहे जूसिस हेल्प कंदा आहिनि टू किल बैक्टेरिया दैट एंटर्स थ्रू आवर फूड। असांजे फूड में ज़ाहिर असांजो फूड एॾो मे बी हेल्थी या एॾो साफ़ु सुथरो न हुजे, असांखे तव्हां को पाणी पियूं था अगरि उहो ख़राबु आहे, उन में के बैक्टेरियाज आहिनि, या ॿाहिरि का शइ खाईंदा आहियूं त मे बी उहे एॾो साफ़ु सुथरियूं न थियल हुजनि, त उन्हनि जे ज़रिए जेके बैक्टेरियाज असांजी बॉडी में विद फूड हली वेंदा आहिनि, त पोइ असांजो स्टमक उतां ई उन्हनि खे डाइजेस्ट करे छॾींदो आहे, जीअं असांजी बॉडी खे या असांजे ब्लड में एंटर न थियनि या असांखे हार्म न पहुचाइनि। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज ओके। नेक्स्ट इज टीथ। टीथ अगेन अगर रिलेट करे थी स्टमक या डाइजेशन सां, त हिकड़ी गाल तो रिलेट करे थी, तो टीथ में या माउथ में मैकेनिकल डाइजेशन थी दिया। मैकेनिकल डाइजेशन ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जेका असां मैकेनिकली पंहिंजे माउथ जे ज़रिए च्यूविंग जे ज़रिए कंदा आहियूं, ऐं उन में असांखे हेल्प कंदो आहे टीथ। हेयर वी डिस्कस द पार्ट्स और सेट्स ऑफ टीथ। वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ। असांजी ओवरऑल ज़िंदगी में ॿ सेट हूंदा आहिनि टीथ जा। हिकिड़ा हूंदा आहिनि प्राइमरी टीथ, जंहिंखे मिल्की और बेबी टीथ चइबो आहे, ऐं ॿिया हूंदा आहिनि परमनेंट टीथ। प्राइमरी टीथ जेके नंढे ॿार में हूंदा आहिनि ऐं जेके अॻिते हली करे टुटी पवंदा आहिनि, उहे परमनेंट न आहिनि, उहे हमेशह न आहिनि रहंदा। 3 to 4 ईयर्स जे ॿारनि में डेवलप थींदा आहिनि 3 ईयर्स जे ॿारनि ताईं, ऐं 20 प्राइमरी टीथ हूंदा आहिनि, बट उहे परमनेंट न आहिनि, उहे हमेशह न आहिनि रहंदा, उहे रीप्लेसेबल हूंदा आहिनि, मतिलबु उहे सभु टीथ रीप्लेस थींदा आहिनि। उन्हनि खे मिल्की टीथ चइबो आहे या यू कैन कॉल इट अ बेबी टीथ। उहे सॼा टीथ रीप्लेस थी करे जेके अडल्ट में नवां टीथ ईंदा आहिनि उहे हूंदा आहिनि 32 इन नंबर, ऐं उन्हनि खे चइबो आहे परमनेंट टीथ। उन्हनि परमनेंट टीथ खां पोइ वरी टीथ जी रीग्रोथ
नथी थी सके इन केस उन खां पोइ अगरि कंहिं इंजरी सां या एक्सीडेंटली असां जेको टीथ मिस थो थी वञे या लॉस थो थी वञे त उहो वापसि वरी डेवलप न थींदो. प्राइमरी टीथ अगरि लॉस थी वेंदा आहिनि त उहे वापसि परमानेंट टीथ में डेवलप थी सघंदा आहिनि, बल्कि थी वेंदा आहिनि. बट हिकु दफ़ा अगरि अडल्ट फॉर्म में असांजा परमानेंट 32 टीथ आहिनि त उहे असांजा परमानेंटली आहिनि, उहे वरी रीप्लेस या रीग्रोथ न थींदा. प्राइमरी टीथ आर रीप्लेसेबल. ओके, टीथ हेल्प्स टू च्यू आवर फूड, असांजो फूड जी च्यूइंग में हेल्प कंदा आहिनि. टीथ कैन लीड टू कैविटीज एंड प्लेक्स इफ वी डोंट ब्रश इट रेगुलरली. अच्छा, टीथ में कहिड़ी बीमारियूं डिज़ीज़ कॉज थींदियूं आहिनि? डिज़ीज़ या डिसऑर्डर्स जा एम सी क्यूज़ या क्वेश्चन हमेशह एड कया वेंदा आहिनि. इहे हिकु जनरलाइज टॉपिक आहिनि जेके हमेशह असांजे एम सी क्यूज़ में ज़रूरु ईंदा आहिनि. टीथ में छा थींदो आहे? कैविटीज़ थी वेंदियूं आहिनि. कैविटीज़ चइबो आहे होल्स खे. टीथ में होल प्रोड्यूस थी वेंदा आहिनि. ऐं प्लेक चइबो आहे येलो कलर जी बैक्टेरियल लाइन प्रोड्यूस थी वेंदी आहे. बैक्टेरिया जमा थींदो वेंदो आहे टीथ जे मथां, उहो सॼो येलोइश जेका मथां लेयर हूंदी आहे टीथ जी, उहा ड्यू टू बैक्टेरिया हूंदी आहे. अगरि असां रेगुलरली टीथ वॉश न कंदासीं, ब्रश न कंदासीं, क्लीन न कंदासीं, त पोइ प्लेग फॉर्म थी सघे थो, बैक्टेरिया उन में अची सघंदा, कैविटीज़ थी सघनि जूं, जंहिंजे सां जंहिंजे इफेक्ट सां छा थींदो, विच काज डिके प्रोसेस. डिके प्रोसेस कंहिंखे चइबो आहे? डिके प्रोसेस माना सॉफ्टनिंग ऑफ टीथ. जेके टीथ असांजो एॾी हार्ड बोन आहे, जेके स्टक्ड आहिनि असांजे मास सां, अगरि उहे सॉफ्ट थी विया डिके प्रोसेस में हली आहे, आहिस्ता आहिस्ता उहो टीथ ख़राबु थींदो वेंदो, बिल्कुलु सॉफ्ट पाउडर फॉर्म में अची वेंदो, ऐं हिकिड़ो ॾींहुं उहो टीथ असां लूज़ करे वेंदासीं. ऐं अगरि परमानेंट टीथ लूज़ कंदासीं त तव्हां इहो लॉस सम्झी सघो था त कहिड़ो वॾो लॉस आहे जेको वापसि रीप्लेस नथो थी सघे. ओके, विच काज डिके प्रोसेस एंड मेक इट पेनफुल टू च्यू. ऐं अगरि असांजा टीथ सॉफ्ट थी वेंदा त असांखे च्यू करण में, खाधे खे वधीक मिक्स करण में जेको आहे पेनफुल फील थींदो. ऐं अगरि सॉफ्ट हूंदा त पोइ उन में असांखे अगरि कुझु गरम या थधो त उहो वधीक फील थींदो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल क्लीन टीथ. ओके, नंबरिंग यादि कजो. प्राइमरी टीथ हैव 20 टीथ इन नंबर एंड अडल्ट हैव 32 परमानेंट टीथ. ओके, एयर. एयर जो सभिनी खां बेसिक कमु जेको सभिनी खे ज़हन में हूंदो ऐं सभिनी ख़बर पाए, दैट इज़ हेयरिंग. असां पंहिंजे एयर जे ज़रिए सां ॿुधंदा आहियूं. एयर इज़ फॉर हेयरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस. अक्सर करे असांखे इहा ख़बर न आहे हूंदी त एयर जो हिकिड़ो इहो बि कमु आहे त हू बॉडी बैलेंस खे मेंटेन थो करे. एंड हाउ इट मेंटेन्स, असां हमेशह असांजे माइंड में इहो ई रहियो आहे त एयर इज़ फॉर हेयरिंग. असां जेको ॿुधूं था उहो एयर जे ज़रिए ॿुधूं था. हाणे बॉडी बैलेंस कीअं मेंटेन थो करे? असांजे एयर जा ॿ पार्ट्स आहिनि. असांजो एयर मतिलबु इनर एयर एंड आउटर एयर हिकिड़ो अलॻि फॉर्म में अचे थो. आउटर एयर असांजे एक्सटर्नल पार्ट्स आहिनि, जेके असांजे आउटर पार्ट्स आहिनि, ऐं इंटरनल जेके एयर्स आहिनि उहे कनेक्टेड आहिनि असांजे विजन सां ऐं असांजे ब्रेन सां. जेको बि आई जा विजन वारा पार्ट्स आहिनि उन्हनि सां कनेक्टेड आहे असांजो इनर एयर, जंहिंजे ज़रिए सां बॉडी खे मेंटेन करण, बॉडी खे बैलेंस करण में बि एयर जो हथु हूंदो आहे. एयर इज़ फॉर हेयरिंग एंड मेंटेनिंग बॉडी बैलेंस. असांजे बॉडी जो जेको बैलेंस आहे, अगर उहो मूवमेंट में हुजे या असांजे बोन्स जे ज़रिए हुजे या असांजे विजन जे ज़रिए सां जेको बैलेंस बीहे थो, उन्हनि जो कनेक्शन विजन जो एयर सां गॾु आहे. डिटेक्ट साउंड, साउंड डिटेक्ट कंदो आहे असांजे एयर में इंटरनल एयर में, या चई सघो जेको स्ट्राइक जेको बि साउंड असां ॿुधंदा आहियूं उहो वञी स्ट्राइक थींदो आहे उते, ऐं उतां जेका वाइब्रेशन प्रोड्यूस थींदी आहे उन मां असां साउंड डिटेक्ट करे वेंदा आहियूं. हाणे साउंड जो डिटेक्शन छा आहे? हिकिड़ो त हूंदो आहे हेयरिंग ऑफ साउंड, आवाज़ु ॿुधणु. डिटेक्शन छा आहे? डिटेक्ट छा आहे? इट मीन्स के साउंड डिफरेंट टाइप जा हूंदा आहिनि. नॉइसी साउंड हूंदो आहे, सॉफ्ट साउंड हूंदो आहे, इरिटेटिव साउंड हूंदा आहिनि. त जेके डिफरेंट साउंड आहिनि असां उन्हनि खे डिटेक्ट करे सघूं. मेटअप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्ट्स. एक्सटर्नल पार्ट खे बिना चइबो आहे. इंटरनल पार्ट्स में एयर ड्रम हूंदो आहे. मिडल एयर ऐं इनर एयर ॿई इंटरनल पार्ट्स में अची था वञनि. एयर खिनाल हूंदी आहे जो तव्हांजी डायग्राम में ठहियलु आहे. ऐं टेंशन ट्यूब हूंदी आहे जेका कनेक्ट थींदी आहे असांजी, अगरि असां सॉरी जेका ॿिन्ही एयर्स खे हिक ॿिए सां कनेक्ट कंदी आहे. अक्सर असां ॿुधो हूंदो त हिन जी जेका कनेक्शन आहे उहा यूस्ट्रियन ट्यूब जे ज़रिए. हे पार्ट्स एॾा डिस्कस न आहिनि थियल हिन टॉपिक में, बट हिन डायग्राम में आहिनि, माने करे
थोड़ो इलेबरेट गया। एयर केनाल छा है, एयर केनाल असने एक्सटर्नल ऐ इनर एयर जे विच में एक लाइन आ जेका उने के कनेक्ट करे थी, जेको कुछ समुद्र हुंदो असन एयर केनाल जे जरिए सा असने इनर एयर तई पहुंचे तो। सम पीपल यूज हियरिंग एड हु फील्स डिफिकल्टी इन हियरिंग, कुछ मानु जेके बुधी न सकंदा हैं त पो वो एकड़ी मशीन यूज कंदा हैं जेके हियरिंग एड चबो आ, जेकी मदद सा जेको वॉइस आवाज जेको उने ते अचे तो वो पास थी इनर एयर डे, या अगर उन्हें जा पर्दा जो एयर ड्रम्स इन कमजोर आए तो वो उन्हें जो भी आफ्ते हेयर एड जो वो कम कर दो। वी नोटेड अ स्टेटमेंट दैट एलिफेंट्स हैव लार्ज एयर फ्लैप्स दैट हेल्प देम टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी। एलिफेंट्स में जो एयर फ्लैप हों अस चाहूँ एक्सटर्नल एयर जो हों इलाही लार्ज हों, ठीक है, छो लार्ज हों कर तो करॉडी में बॉडी में कंट्रोल टेम्परेचर के। द क्वेश्चन अराइजेज हाउ हाउ दे कंट्रोल देयर टेम्परेचर बाय देयर एयर फ्लैप्स। एलिफेंट्स एयर फ्लैप्स हों इलाही लार्ज फॉर्म में हों तो उनके मूव कराइंद जस्ट लाइक अगर कें शे के हवा दीजिए या तो ये उनका फ्लैप्स जो एयर जो है वो कंटिन्यूसली मूव कर अगर तुम उन्हें एलिफेंट्स के हल्द ऐसा तो उनका एयर फ्लैप्स उनका एयर जो बाहर जो पर्दा उ मूव कर इन उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहा। मोस्टली अफ्रीकन एलिफेंट्स हैव लार्जर एयर्स वाइल एशियन हैव स्मॉलर एयर्स। अफ्रीकन एक एलिफेंट्स होंगे यो भी नॉलेजेबल पॉइंट या नोटेड पॉइंट है। अफ्रीकन एलिफेंट्स जो एयर्स लार्ज हों एशियन जो स्मॉल हों। मे बी इन जो यो भी रीजन थी सके तो अफ्रीका में इलाही हॉट वेदर की वजह से उनके पांच बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करो हों तो उन्होंने बिहेवियर थो तो उनमें यो ही उनकी नेक्स्ट जनरेशन में डेवलप तो वे दे हैव बिगर एयर फ्लैप्स। एयर फ्लैप्स के जरिए से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर या कंट्रोल कर। Next is nose. Nose it draws in main function agar asan without inake padhi kare agar asan mind mein ache to wo ye hai the nose asan ke breathe karne mein help kando a asan je exchange of gases jo ikro passage a ya pathway a asan air kare di vane asan breathe kyun ta air asan di lungs mein vindi to wo lungs mein kenje through vane di hua vane thi asan nose je through it is a passage or pathway. It draws in air and identify different smells and aromas present in air. First of all, nose je ko function regulate the to wo yo vat asan ke nose je zariye san different smell sense of smell identify the ko. It is included in our five senses. Je ke different smells ayan either we good aromas hujan ya bad smells hujan to wo asan ke नोज जो वो सेंस कराइंद कि वो असके सेंसेस एदर वो साइट हुए हेयरिंग हुए या स्मेल हुए तो उसे ब्रेन से कनेक्टेड आज ब्रेन त इंफॉर्मेशन वी असेंगे वो स्मेल जो पास तो इनको फंक्शन थो दैट इट आइडेंटिफाइड डिफरेंट स्मेल्स। सेकेंडली इनको फंक्शन है लंग्स से कनेक्टेड एयर से कनेक्टेड तो जो एयर ब्रीथ इन क्यों या टेक इन एयर एयर लंग्स। नोज में नॉस्ट्रल्स टू होल्स नॉस्ट्रल्स व्हिच हेल्प्स टू टेक इन एयर टेक्स इन एंड पास इट टू लंग्स। नॉस्ट्रल्स टेक्स इन ऑक्सीजन टेक्स इन एयर सॉरी एयर के टेक पास लंग्स and also pass out bad air from lungs to surrounding. हाँ हिते elaborate नहीं कहे हुए but what is meant by bad air? Take in the air करे थी and pass out करे थी bad air. तो हिते अमें जो मतलब आहे तो जेका शे take in करे थी nostrils या संजो nose उन्हें air में आहे oxygen. Oxygen है संजो body की खपे वो संजो लाय advantage है हिकरो तो सामने के oxygen के take करूँ ता through air through our nose. टू लंग्स। बैड एयर जो मकसद आ जैमें आ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड असि बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट आ अस बॉडी में अस उनकी नीड ना है तो अस वो उन जो एयर अस टेकिन क्यों था वापस वह जैसे वापस वे थी लंग्स का वापस नॉस्ट्रल्स में तो उन्हें पहुंची थी वे कार्बन डाइऑक्साइड। असल जो फंक्शन आ लंग्स जो अस लंग्स भी डिस्कस कंदी या ब्रीथिंग जो The main function are takes in oxygen and give out carbon dioxide. यो function जो को यो nose से related आये उन्हें जो जरिए ही थे तो
अच्छा असां जो जेका इहो पासेज आहे जेको लंग्स ॾे वञे थो पाइप इहो किथे लोकेटेड हूंदो आहे इहो बि असांजे थायराइड में लोकेटेड आहे ऐं जेको फूड वारो एलिमेंट्री केनाल वारो पाइप आहे उहो बि हिते ई लोकेटेड आहे त हिते छा आहे जॾहिं बि असां कुझु बि खाईंदा आहियूं या असां साह खणूं था त इहे ॿई जेके ट्यूब्स आहिनि ॿई जेके नलियूं हिक ॿिए सां अल्टर न आहिनि कंदियूं हिक ॿिए सां मिलंदियूं न आहिनि इन जे पुठियां हिकिड़ो रीज़न आहे मां तव्हांखे ॿुधाए थी छॾियां अॻिते में बि तव्हांखे हेल्प करे असांजी अबॉड थायरॉइड में या असांजे गले में जेके ॿ ट्यूब्स आहिनि एलिमेंट्री केनाल ऐं विंड पाइप छा आहे जंहिंमें एयर वेंदी आहे नोज़ खां पोइ लंग्स ते त उहे ॿई हिक ॿिए सां न मिलनि त हिते हिकिड़ो पैलेट हूंदो आहे जेको ओपन ऐं क्लोज थींदो आहे जॾहिं असां मानी खाईंदा आहियूं या जंहिं टाइम ते ईअं त न आहे त असां मानी खाईंदा हुजूं त उन टाइम ते साह न खणंदा हुजूं भले को माण्हू कलाकु मानी खाए थो कलाकु साह न खणे ईअं नथो थी सघे सिर्फ़ु एट दैट पॉइंट सिर्फ़ु उन सेकेंड जॾहिं फूड स्वेलो थींदो आहे जॾहिं असांजो फूड असांजी हलक मां हेठि वेंदो आहे उन पॉइंट ते उहो पैलेट जेको आहे विंड पाइप खे क्लोज़ करे छॾंदो आहे ऐं उहो फूड जेको आहे उहो पंहिंजी एलिमेंट्री केनाल मां ही पास थींदो आहे जस्ट इहो हिकिड़ो नेचुरल प्रोसेस आहे त जंहिं टाइम ते जस्ट फूड स्वेल थिए थो उन टाइम ते असांजो फूड असांजे फूड वारे पाइप में एलिमेंट्री केनाल में वेंदो आहे ऐं विंड पाइप में एंटर नाहे थी सघंदो हाणे हिते हिकिड़ो जनरल क्वेश्चन हुयो त वाई पीपल स्नोर स्नोर मतिलबु खराटा जेके ईंदा आहिनि माण्हुनि खे उहे छो ईंदा आहिनि हिकिड़ो जनरल क्वेश्चन हुयो उहो बि इन असांजो माउथ ऐं नोज़ इन में कनेक्टिविटी में अची वेंदा आहिनि वाई पीपल स्नोर स्नोरिंग हैपन्स वैन यू कांट मूव एयर फ्रीली थ्रू नोज़ एंड थ्रोट ड्यूरिंग स्लीप जॾहिं माण्हू हिकिड़ी लाइट स्लीप खां मतिलबु हिकिड़ी डीप स्लीप में हली वेंदो आहे त उन में एयर फ्री एयर जो पास थियणु किथे थोरो डिफिकल्ट थी वेंदो आहे मे बी अगरि इहो इलाही फॉर्म में हुजे त तव्हां इनखे डिसऑडर बि चई सघो था बट अगरि नॉर्मलाइज आहे त नॉर्मली बि थींदो आहे जॾहिं नोज़ ऐं थ्रोट ताईं एयर पहुचण में डिफिकल्टी थींदी आहे पोइ छा थींदो आहे जॾहिं नोज़ ऐं एयर में ब्लॉक थो अची वञे या एयर सही तरह नथी पहुची सघे त उते जेको पैलेट आहे जेको मां तव्हांखे ॿुधायो क्लोज ऐं ओपन थिए थो फूड खे ऐं साह जी नली खे सेपरेट करे थो उन में वाइब्रेशन थींदी आहे उन जा जेके टिशूज़ आहिनि उहे टिशूज़ वाइब्रेट थींदा आहिनि ऐं उन्हनि जी वाइब्रेशन सां हार्श साउंड प्रोड्यूस थींदो आहे जंहिंखे असां स्नोरिंग चवंदा आहियूं हिते तव्हां डायग्राम ॾिसो हीअ अगरि नॉर्मल हिकिड़ो माण्हू आहे त उनजी क्लोज अपर एयर वे आहे हितां जेका उनजी एयर वे आहे उहा क्लोज आहे सिंपल जेको साह खणे थो वापसि उनजो साह वञे थो उनजे माउथ सां या पैलेट सां उनजी का कनेक्टिविटी न आहे हिते जॾहिं उहो एयर फ्रीली मूव नथी करे नोज़ ऐं थ्रोट में त उहो पैलेट थोरो खुली थो वञे जंहिंसां पोइ टिशूज़ में वाइब्रेशन थिए थी ऐं स्नोरिंग जो आवाज़ु जेको आहे उहो प्रोड्यूस थींदो आहे ठीकु आहे इहो हिकिड़ो जनरल रीज़न आहे वाई वी स्नोर ओके लंग्स नोज़ सां ई रिलेटेड आहे असां इन ते ई डिस्कस कयूं पिया त असां ब्रीथ कीअं कंदा आहियूं असांजो ब्रीथिंग जो प्रोसेस कीअं आहे या लंग्स जो कहिड़ो कमु आहे लंग्स में थींदी आहे ब्रीथिंग ऐं ब्रीथिंग खे अगरि असां सिंपली डिफाइन कयूं त इट इज़ एक्सचेंज ऑफ गैसिस एक्सचेंज ऑफ गैसिस वॉट टेक्स इन ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन खे टेक करण खे चइबो आहे इनहेलेशन इनहेल करणु ऐं कार्बन डाइऑक्साइड खे एक्सहेल करण खे चइबो आहे एक्सहेलेशन असां पंहिंजे बॉडी मां एक्सहेल करे छॾंदा आहियूं कार्बन डाइऑक्साइड ऐं इनहेल कंदा आहियूं ऑक्सीजन लंग्स किथे हूंदा आहिनि लंग्स असांजी हिते अगरि डायग्राम में ॾिसो त असांजे चेस्ट पार्ट में हूंदा आहिनि बट लंग्स बि मस्कुलर पार्ट आहे त उन खे कवर कंदो आहे उन जो जेको फ्रेम आहे जीअं स्कल आहे ब्रेन खे प्रोटेक्ट थो करे तीअं लंग्स खे जेको प्रोटेक्ट कंदो आहे फ्रेम उनखे चइबो आहे रिब केज रिब्स हूंदियूं आहिनि असांजी बॉडी में जेके कंप्लीट फ्रेम आहिनि लंग्स खे जेके प्रोटेक्ट थी कनि ब्रीथिंग सेंटर ऑफ द बॉडी लंग्स असांजो ब्रीथिंग सेंटर आहे साह खणण वारो अमल जेको आहे असांजो हिते थींदो आहे रिस्पायरेटरी प्रोसेस असांजो लंग्स में थींदो आहे लंग आर प्रोटेक्टेड बाय केज ऑफ बोन्स बोन्स जे हिकिड़े पिंजरे में बंदि आहे हिकिड़े फ्रेम में बंदि आहे उनखे चइबो आहे रिब केज द एयर विच इज़ इनहेल्ड जेके असां एयर पंहिंजे अंदरि इनहेल कंदा आहियूं उहा ऑक्सीजन खणी ईंदी आहे उन प्रोसेस खे चइबो आहे इनहेलेशन लंग्स ते खणी ईंदी आहे एयर एंड द एयर दैट एक्सहेल गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड ऐं जेका एयर एक्सहेल थी थिए असांजे
उन्हें ई पासवे हाँ सागोई रस्तो हुंदो आ सागोई पासवे हुंदो आ जेन जे जरिए सा अगर एयर अचे थी असन जे नोस्ट्रिल्स में नोज में उन्हें खा पो विंड पाइप में उन्हें खा पो ब ट्यूब्स हुंदा नडा ब्रांचियोस इन्हें खा पो लंग्स में त इहो ई वापसी जो रस्तो आ कार्बन डाइऑक्साइड जो जिथे ऑक्सीजन या एयर जेका है ऑक्सीजन छडे थी ब्लड में उतना ही टेक करे थी कार्बन डाइऑक्साइड उते ही रिएक्शन थी नो रेस्पिरेशन जो कार्बन डाइऑक्साइड वटी करे वापस वो ही पास वे केडो लंग्स अने खा पो ब्रोंचियल्स या ट्यूब्स ए वो ही विंड पाइप एंड वापस नोस्ट्रिल्स के जरिए सा वो एक्सहेल थी ठीक है अगेन अस इन पाथवे के डिस्कस ता कयो नोस्ट्रिल्स नोज अने खा पो एकडो हेते सिंगल एकडो ही विंड पाइप आ हने के ट्रेकिया चबो आ ठीक है जें जरिए सा सा खणो ता हे एयर इन थे थी इन्हें के विंड पाइप चाहिए बुआ इन्हें के ट्रेकिया रिंग्स ऑफ ट्रेकिया जितने हों जो इन बोन्स जो नंदी नंदी रिंग्स ठहल जो इन जिन्हें मदद सा ही ट्यूब ठहला या ट्यूब अगते मनी करे डिवाइड थे थी टू पार्ट्स में बिन हिस्से में डिवाइड थी मनी थी उन्हें की चाहिए बुआ ब्रोंचियल ट्यूब्स एक हर एक ईच ब्रोंचियल ट्यूब ईच लंग्स सा कनेक्टेड आए इन मा जेके ब हिस्सा थे ट्यूब्स जा एकड़ो ट्यूब बने तो राइट लंग दे एकड़ो ट्यूब बने तो लेफ्ट लंग दे ऐं पोइ जेका एयर पास थिए थी उहा ॿिन्ही लंग्स में पास थी वेंदी ऐं ही जेके ब्रांचिस आहिनि इन्हनि खे चइबो आहे ब्रांचियोल्स ब्रांचियोल ट्यूब खां पोइ हे हिन जो जीअं हिकिड़ो प्लांट हूंदो आहे हिकिड़ो दरख़्त हूंदो आहे हिन खां पोइ हुन जूं ब्रांचिस निकिरी ईंदियूं आहिनि सॼियूं ऐं उतां ई हुनजी जेके बि सॉइल मां जेके मिनरल्स ऐं वॉटर आहिनि उहे सॼी उतां ई पास थींदियूं आहिनि ईअं ई हिते ही हिकिड़ी पाइप आहे विंड पाइप जेका ॿिन्ही ट्रेक ब्रांचियल ट्यूब में ऑक्सीजन या एयर पहुंचाए थी ऐं उहे वरी हिन ब्रांचियोस में ब्रांचिस में वञी स्टक थी थियूं वञनि ऐं इतां ही गैसेस ऑफ एक्सचेंज थींदो आहे कार्बन डाइऑक्साइड वरी वापसि इन ई रूट तां वापसि असांजे माउथ ॾांहुं या नॉस्ट्रिल्स ॾांहुं ॿाहिरि हली वेंदी आहे द एयर अच्छा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो प्रोसेस आहे इनहेलेशन टेक इन ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एयर बिकम्स वॉर्म क्लीन एंड मॉइस्ट बाय नोज असांजो फर्स्ट असांजो नोज़ ई हुनखे फिल्टर करे हुन एयर खे लंग्स ॾे मोकिलींदो आहे असांजे नोज़ में जेके नोज़ हेयर्स हूंदा आहिनि उन में जेतिरा बि असां जेका असां एयर इनटेक कयूं था उहा फिल्टर थी वेंदी आहे हुन में जेका जर्म्स ऐं डर्ट हूंदी आहे उहा असांजे नोज़ हेयर्स में स्टक थी वेंदी आहे ऐं बिल्कुलु क्लीन एयर जेका आहे उहा असांजे लंग्स ॾांहुं वेंदी आहे विच एंटर द लंग्स थ्रू अ विंड पाइप विंड पाइप छा आहे विंड पाइप कॉल ट्रेकिया होलो ट्यूब इन योर चेस्ट असांजी नोज़ खां पोइ नोस्ट्रिल्स खां पोइ जेका ट्यूब आहे लंग्स ॾे वञे थी हुनखे ट्रेकिया चइबो आहे ट्रेकिया इज़ डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स उहा वरी फर्दर डिवाइडेड आहे टू स्मॉलर ट्यूब में ब्रोंचियल ट्यूब्स में ईच इज़ जॉइंट टू ईच लंग अच्छा हिते लंग्स जा डिसऑर्डर्स आहिनि अस्थमा एंड लंग कैंसर डिसऑर्डर्स आहिनि लंग जा अस्थमा लॉस ऑफ ब्रीथिंग हूंदो आहे पॉल्यूटेड एयर या एलर्जी जी वजह सां थींदी आहे कास्ट बाय पॉल्यूटेड एयर एंड स्मोकिंग स्मोकिंग जे ज़रिए छो त स्मोकिंग में जेका बैड एयर जेका हुनजी आहे स्मोक जेको आहे उहो असांजे लंग्स में वञे थो त ज़ाहिर आहे हुनजो उते इफेक्ट करे थो असांजी बॉडी खे उन ई जॻह ते अगरि स्मोकिंग या पॉल्यूटेड एयर अगरि असां वठूं था जेका पॉल्यूटेड आहे जेका क्लीन नाहे कि इंडस्ट्रियल एरिया में या कहिड़ी जॻह ते पॉल्यूटेड एयर वञे थी त उन सां बि इहो कास थी सघे थो ओके नेक्स्ट ऑर्गन इज हार्ट Heart is the pumping station of the body. Heart cha pump kandi hai, heart pumps blood in our body. In jo matlab cha hai, in jo matlab iho baat hai, heart continuously asandi body ke blood pahunchaindi aahe. Halanki blood asandi body mein maujood aa, ko ine mein pumping station je zarurat cho pai, again it is related to lungs. Ke lungs mein jeko oxygen ache to unhe oxygen ke kathe pahunchano aa, unhe oxygen ke pahunchano aa blood tai. असांजो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हुजणु ज़रूरी आहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बि हर्ट ॾे वेंदो आहे ऐं ऑक्सीजनेटेड ब्लड बि हर्ट ॾे वेंदो आहे ऑक्सीजनेटेड ब्लड किथां ईंदो आहे लंग्स मां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किथां ईंदो आहे बॉडी मां बॉडी मां जेको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अचे थो उहो हर्ट मां पास थी करे लंग्स ॾे वञे थो लंग्स में उहो ऑक्सीजनेटेड में चेंज थी कीअं थो ऑक्सीजनेटेड में चेंज थिए कार्बन डाइऑक्साइड ॾेई करे ऑक्सीजन वठे थो गिव एंड टेक And then oxygenated blood heart de indo apo wapas wa heart jeka hai pump kandia unhe blood ke to all parts of the body ye ek thoro function a heart jo vadhik asa inike elaborate kanda si but here we discuss that it is the pumping station pumps the blood to all parts of the body through blood vessels
हाणे जेको ब्लड पंप करे थो, ज़ाहिर आहे हिन जेको रस्तो आहे, हिन जेको वे आहे, हर्ट ते हिन जो प्लेटफॉर्म आहे, त ब्लड अचे थो लंग्स ते वञे थो, लंग्स मां ब्लड बॉडी ते वञे थो, बट इन जो वे, इन जो रस्तो कहिड़ो आहे, उहो आहे ब्लड वेसल्स। असांजी बॉडी में डिफरेंट वेसल्स हूंदियूं आहिनि ब्लड जूं, पोइ उहे ब्लड पहुचाईंदियूं आहिनि लंग्स ॾे या लंग्स खां बॉडी ॾे, ठीकु आहे। अच्छा, ब्लड वेसल्स जेके कुझु हूंदियूं आहिनि जेके बॉडी में एंटर थींदियूं आहिनि, असांजे हर्ट में चैम्बर्स हूंदा आहिनि। तव्हां अक्सर इहो ॿुधो हूंदो हिकिड़ो जनरल, त ह्यूमन हर्ट में केतिरा चैम्बर्स आहिनि। असांजे हर्ट में चार चैम्बर्स हूंदा आहिनि, पोइ उहे चैम्बर्स छाजे लाइ डिवाइड थियल आहिनि, सम्झो त खाना ठहियल आहिनि, उहे इन लाइ ठहियल आहिनि त ब्लड बॉडी मां जेको ब्लड अचे थो उहो हिकिड़े साइड वञे, वरी लंग्स मां जेको अचे थो उहो ॿी साइड वञे, पोइ वापसि जेको हुनजो थोरो हूंदो आहे त डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में हली वेंदो आहे ऐं ऑक्सीजनेटेड ब्लड वरी पूरी बॉडी ते पहुची वेंदो आहे। Located little to left from middle of the chest. अच्छा, हिकिड़ो हिते हिकिड़ो पॉइंट हो, असां हिते नोट कयो हूंदो या तव्हां नोट कयो हूंदो त हिकिड़ो लंग जेको आहे हुनजी साइज़ थोरी वॾी आहे ऐं जेको लेफ्ट लंग आहे हुनजी साइज़ थोरी नंढी आहे। हमेशह हिन जो रीज़न अक्सर एग्ज़ाम्स में ईंदो आहे त वाए लेफ्ट लंग इज़ स्मॉलर देन राइट लंग, त हिन जो रीज़न इहो आहे त हिते हर्ट प्लेस्ड हूंदी आहे, थोड़ी सी जगह इतने हर्ट मिडल ऑफ द चेस्ट में थोड़ी सी लेफ्ट साइड खड़ी हुई है, जिनकी वजह से लंग की जगह साइज थोड़ी हुआ रिड्यूस थी हुई है बॉडी में। लोकेटेड लिटिल टू लेफ्ट फ्रॉम चेस्ट ऑफ मिडल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के बिल्कुल लेफ्ट दे थोड़ा मूव थियल हर्ट, जिनकी वजह से लेफ्ट लंग की साइज राइट लंग का थोड़ी नंढी हुई है। एवरेज हर्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। अगर तक मैयर भी कर पंहिंजे तरीक़े सां पंहिंजे वे में हिनखे कॾहिं मैयर करे ॾिसजो त असांजी जेका पल्स हले थी उहा 72 टाइम्स हिकिड़े मिंट में 72 टाइम्स ताईं बीट कंदी आहे। हर्ट इज़ अबाउट द साइज़ ऑफ यूअर फिस्ट। इहो हिकिड़ो मिथ थी सघो था या इहो हिकिड़ो मञियो वेंदो आहे त असांजी जेका फिस्ट जी असांजी जेका मुठी जी साइज़ हूंदी आहे ओतिरी असांजी हर्ट हूंदी आहे, हर्ट जी साइज़ हूंदी आहे। ओके, हर्ट सां रिलेटेड कुझु डिज़ीज़िस आहिनि जेके हिन में एंड में डिस्कस थियल आहिनि। मसल्स एंड स्केलेटन, फर्स्ट असां हिन डायग्राम खे थोरो ॾिसूं त हिन में हिकिड़ी साइड असां स्केलेटन ॾिसी रहिया आहियूं, ढांचो जेको ख़ाली स्केलेटन आहे जंहिंमें बोन्स हिक ॿिए सां अटैच आहिनि, ठीक आहे। सेकेंड साइज में मसल्स हाणे हिन सां अटैच थी आहिनि, त मसल्स ऐं स्केलेटन मिली करे कंप्लीट बॉडी फ्रेमवर्क ठाहींदा आहिनि। अगर बॉडी जी कंप्लीट फ्रेमवर्क ठहे थी या असांजी जेका मूवमेंट थिए थी उहा कंप्लीट मसल्स ऐं स्केलेटन जी मदद सां आहे। अगरि सिर्फ़ बोन्स हुजनि, सिर्फ़ स्केलेटन हुजनि त मे बी उहे जॉइंट्स इन तरीक़े सां मूव न करे सघनि। मसल्स हेल्प कंदा आहिनि कंट्रेक्शन में ऐं मसल ऐं स्केलेटन ॿई मिली करे असांखे एनेबल कंदा आहिनि या क़ाबिल बणाईंदा आहिनि त असां मूव करे सघूं। मसल्स एंड स्केलेटन वर्क टूगेदर एंड एनेबल अस to move. Muscles and skeleton mili kare movement karainda in body mein. All the bones of the body make framework. Skeleton ahe cha sadi body mein jeko bones jo jeko framework ahe unke skeleton chebo ahe. Unhe skeleton je matha po asanjo muscles asanjo mass connected hundua iye sensory body jo framework thandua. Acha bones ketriyo ahen pro normal question ahe hamesha ilain jagan te repeat thiyo a there are 206 bones in our body. 206 हॾियूं आहिनि असांजी बॉडी में। बोन्स प्रोटेक्ट्स, अच्छा फंक्शन छा आहे बोन्स जो, प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऑर्गन्स जी हिते ॻाल्हि छो अची वई वापसि रिपीट कंदमि, असांजो स्कल असांजे ब्रेन खे प्रोटेक्ट थो करे, असांजो रिब केज असांजे लंग्स खे प्रोटेक्ट थो करे, त बोन जो इहो जेको फ्रेम वर्क आहे इहो सम्झो हिकिड़ो असांजो प्रोटेक्ट आहे। असांजे ऑर्गन्स आहिनि छो त उहे मस्कुलर आहिनि, इलाही सॉफ्ट आहिनि, हर्ट इलाही सॉफ्ट ऑर्गन आहे, ब्रेन इलाही सॉफ्ट ऑर्गन आहे, त हुननि खे जेको ॿाहिरि फ्रेमवर्क जी जेका ज़रूरत आहे उहो बोन्स हुननि खे प्रोटेक्ट कनि थियूं। प्लेसिस इन द बॉडी वेयर टू बोन्स मीट, अच्छा बॉडी में अहिड़ो पार्ट जिथे बोन्स मिलंदियूं आहिनि उनखे चइबो आहे जॉइंट। असांजी बॉडी में इलाही जॉइंट्स आहिनि ऐं बोन जा जेके जॉइंट हूंदा आहिनि जिथे ॿ बोन हिक ॿिए सां मिलनि, इन्हनि जी छाजे लाइ ईअं आहे ऐं इन मां छा फ़ाइदो आहे, विच अलो बोन्स टू मूव इन डिफरेंट वेज। अगरि हिकिड़ी सिधी बोन हुजे आहे त हुनजी मूवमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में पॉसिबल नाहे, बट इहो जेको जॉइंट हूंदो आहे असांजो, एदर उहो असांजी आर्म जो जॉइंट हुजे, लेग जो जॉइंट हुजे,
इन जॉइंट जी मदद सां छा थींदो आहे, असां पंहिंजी आर्म खे या लेग खे मूव कराईंदा आहियूं इन डायरेक्शंस। ये जेको डायरेक्शन अचनि थियूं इहो इन ई जॉइंट जी वजह सां थियूं। We have noted a point here that humans are born with 300 bones. You sawal baksar indo a ta ekri new bone mein ketri bones hundi hai. New born baby mein 300 bones hundi hai, matlab ekri adult kha vadhik bones hundi hai. But aisa aisa jene ho regrowth karta to unjo ilai bones jekin ho fuse thi hundi hai. Tempo 206 bani bachandi hai. Baki bones kare bhi nyun jiye jiye bar growth kare tho तब जेके बोन्स आहिनि उहे फ्यूज थी करे लार्जर बोन्स में चेंज थी वञनि, त जेके जेके फ्यूज थियनि थियूं त उहे पाण में मिली थी वञनि त नंबर ऑफ बोन्स घटि था थियनि, हिकिड़ी बोन मथे थी वञे। त इन करे 300 मां जॾहिं हिकिड़ो इंसान या हिकिड़ो माण्हू अडल्ट फॉर्म में चेंज थिए थो त हुनजी बोन्स वञी 206 हुजंदी। सो बेसिकली एन अडल्ट हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी एंड अ न्यू बोर्न हैव 300 बोन्स। ओके with 26 bones, 26 bones in your hand mein, and 26 bones in your feet mein. In each foot, her foot mein 27 bones in your hand, her hand mein 26, matlab half of our bones are in our hands and feet. Other sanu jeko framework ya ta sanu jeko ina ma bones thain thyo ve sane hand and feet mein maujood hai. Ye ratios in numbers yaad kanda cho, maybe it will help it in MCQs. Okay, skin, the most outer layer of the body. As I said, the body, the skeleton, the muscles, joints, the organs, the under and bones, the under, you sab kuch cover hai ekdi outer layer sa, ekdi protection sa, that is skin. And skin ke largest organ of the body jabo hai. स्किन उहो ऑर्गन आहे जेको सॼी बॉडी ते फैलियल आहे, सॼी बॉडी खे कवर करे थी, सॼी बॉडी जी ॿाहिरी लेयर आहे। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन्स, सॼी बॉडी खे प्रोटेक्ट कंदी आहे कंहिं बि इंजरी सां। तव्हां ॾिसो खे को इंजरी या कट वट लॻंदो आहे त उहो असांजे पहिरियों ॿाहिरी स्किन खे लॻे थो, मतिलबु उहो अञा अंदरि ताईं असांजे ऑर्गन्स ताईं नाहे पहुचंदो, अगरि उहो इलाही सीवियर न हुजे त। इहो जेको फर्स्ट इन जी जेका असां चई सघूं था, इहो असांजो जेको फर्स्ट बचाव जेको हूंदो आहे असांजी इम्यूनिटी जो, उहो असांजी स्किन फर्स्ट बैरियर जेको आहे उहो असांजी स्किन ई आहे। ऐं स्किन रीग्रोथ बि थी वेंदी आहे वेन एवर वी, अगरि असां खे को कट या अहिड़ो का शइ लॻी थी वञे त अगेन उहे स्किन में इहा सलाहियत आहे त उहा वापसि रीग्रो करे सघे। अगरि हिकिड़ो को कट अची थो वञे, को इन्फेक्शन थी थो वञे, त उहो जॻह ॾिसो जिथां स्किन हटिजी वेंदी आहे त असां उनखे कवर करे रखंदा आहियूं। कवर करे छो रखंदा आहियूं, जीअं ॿाहिरों को जर्म्स या अहिड़ा बैक्टेरिया या ॿाहिरि जेकी शयूं उहे उनमें असांजे बॉडी जे अंदरि न वञनि। त अगरि जेका हीअ स्किन आहे ॿाहिरी, उहा असांखे नेचुरली हर शइ खां बचाए वेठी आहे। एक्ट एज बैरियर फॉर हार्मफुल जर्म्स, जेके बि जर्म्स आहिनि उन्हनि खां बचाईंदी आहे। असांखे बैरियर आहे, फर्स्ट फॉर्म आहे असांजे डिफेंस जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस चवंदा आहिनि स्किन खे। असांजी बॉडी जी जेको हिकिड़ो त असांजी बॉडी जे अंदरि इम्यूनिटी आहे जेका असांखे ॿाहिरें जर्म्स खां बचाईंदी आहे, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ई स्किन आहे, जंहिंजे ज़रिए अञा असांजा जेके जर्म्स आहिनि उहे असांजी बॉडी में अंदरि ई नथा वञी सघनि। सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टच, प्रेशर एंड पेन, ॿाहिरी लेयर आहे बट इट इज सेंसिटिव। टेम्परेचर जॾहिं घणी गर्मी हूंदी आहे या घणी सर्दी हूंदी आहे त असांजी स्किन उन हिसाब सां सेंसिटिव आहे, असांखे मेंटेन करिणो पवंदो आहे बॉडी, मतिलबु असां उन टेम्परेचर खे रेगुलेट न करे सघंदा आहियूं। असांजी स्किन जेका आहे उहा सेंसिटिव आहे टेम्परेचर लाइ, टच लाइ, या कंहिं बि पेनफुल फील थींदो आहे असांखे हॉट वारे जॻह ते अगरि हथु रखी सघूं त उहो असां फील न करे सघंदा आहियूं, या अहिड़ो को पेन हुजे त उहो बर्दाश्त नाहे थींदो, या ईअं नाहे त असां पंहिंजे टेम्परेचर जी रेगुलेशन सां हलूं। मतिलबु कुझु अहिड़ा जानवर हूंदा आहिनि, मूंखे हींअर टर्मिनोलॉजी उहा यादि नथी अचे, जेके पंहिंजे टेम्परेचर खे रेगुलेट पाण करे सघंदा आहिनि, बट असां छा कंदा आहियूं, असां ॿाहिरी तौर ते असांजो टेम्परेचर, लाइक अगरि घणो सियारो आहे त असां मोटा कपिड़ा पाईंदा आहियूं, हैवी क्लोथ्स वठंदा आहियूं, त जीअं असांखे स्किन ताईं या असांजी बॉडी ताईं उहो टेम्परेचर या उहा वेदर इफेक्ट न करे सघे। ओके, ठीकु आहे, हिते असांजा ऑर्गन्स ख़तमु थिया। नाउ द लास्ट इज़ कॉमन डिसऑर्डर्स एंड कॉज़िस, इन्हनि ही ऑर्गन सां रिलेटेड कुझु डिसऑर्डर्स आहिनि।
अस्थमा अगेन वी डिस्कस्ड इन लंग्स ब्रीथिंग डिसऑर्डर आ डिफिकल्टी थींदी आहे जॾहिं ब्रीथिंग में ड्यू टू स्वेल इन एयर पासेज जेका एयर पास थिए थी अगरि उहे उते ब्लॉकेज अची वञे या उहे जेके असांजा ट्यूब्स आहिनि कहिड़ा कहिड़ा ट्यूब्स हुया असांजे लंग्स में हिकिड़ो त ट्रेकिया हुयो मेन विंड पाइप ऐं उन खां पोइ ब्रांचियल ट्यूब्स आहे अगरि उन जी स्वेलिंग थिए थी या उनजे पासेज में को मसलो थिए थो त अस्थमा ऐं इहो कीअं थींदो आहे इहो पॉल्यूटेड एयर सां छो पॉल्यूट अगरि असां हिकिड़ी क्लीन एयर में ब्रीथ कयूं फ्रेश एयर में ब्रीथ कयूं त उन सां असांजे एयर पासेज खे को फ़र्क़ु न पवंदो अगरि पॉल्यूटेड एयर आहे जेका ऑलरेडी एॾनि केमिकल सां पार्टिकल्स सां ऐं डस्ट सां भरियलु आहे त उहा जॾहिं असांजे ट्यूब्स में पास थींदी त उते तव्हां इहो चई सघो था त ब्लॉक अची सघे थो या उनखे पास थियण में डिफिकल्टी थींदी साह खणण में डिफिकल्टी थींदी नेक्स्ट इज़ हार्ट डिज़ीज़ हर्ट जो डिफरेंट डिज़ीज़िस नॉर्मली असां ॿुधा ॿुधा ब्लड प्रेशर बी पी हिकिड़ो नॉर्मल उहो आहे सॉरी नॉर्मल त न आहे हिकिड़ी डिज़ीज़ आहे बट नॉर्मली थी वई आहे अॼुकल्ह असांजे हुन में अगरि बी पी हाई आहे त उहो बि नुक़सानु आहे अगरि लो आहे त उहो बि नुक़सानु आहे नॉर्मल हिकिड़ो बी पी लेवल हूंदो आहे 120 and 80 अगरि उहो मेंटेन्ड हुजे त असांजी हर्ट जेका आहे उहा बी पी जी बीमारी खां बची सघे थी हर्ट डिज़ीज़िस में फर्स्ट ब्लड प्रेशर आहे अच्छा ब्लड प्रेशर कीअं थींदो आहे ब्लड प्रेशर ॾिठो कंटिन्यूसली फ्लो थिए थो कंटिन्यू हर्ट पंप करे थी ब्लड खे त उनजो जेको फ्लो आहे उनजी स्पीड ई तव्हां ॾिसो अगरि हाई ऐं लो जो मतिलबु छा आहे अगरि इलाही हाई थी वियो उनजो प्रेशर फ्लो करण जो तॾहिं बि नुक़सानु आहे अगरि लो थी वियो त तॾहिं बि नुक़सानु आहे हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स ब्लड वेसल जी हार्डनिंग कीअं थींदी आहे ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमा थी वेंदो आहे असांजी बॉडी में अगरि कोलेस्ट्रॉल वधी वञे उहो ब्लड वेसल्स में जमा थी वेंदो आहे उनखां पोइ ब्लड वेसल्स जेके आहिनि उहे इलाही उन्हनि जो जेको ब्लॉक एयर जेको रस्तो आहे उहो इलाही ब्लॉक थी वेंदो आहे जंहिंजे ज़रिए सां ब्लड वेसल्स जेके आहिनि उहे पंहिंजे नॉर्मल वे खां कम न आहिनि कंदियूं हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक अटैक ऐं स्ट्रोक में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे हार्ट अटैक तॾहिं थींदो आहे जॾहिं ब्लड सॉरी ब्लड जेको आहे उहो हर्ट ॾांहुं अचणु बंदि अगरि हर्ट तां उहो ब्लड नथो पहुचे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड त उते हार्ट अटैक उहो ब्लॉकेज थींदी आहिनि उन्हनि जी वेन्स मां ऐं स्ट्रोक तॾहिं थींदो आहे जॾहिं ब्रेन ताईं उहो ब्लड नथो पहुचे जेको ब्लड हर्ट प्रोवाइड करे थी सॼी बॉडी ॾे अगरि उहो ब्रेन ताईं नथो पहुचे त हुनखे हर्ट स्ट्रोक चइबो आहे ऐं अगरि हर्ट ताईं हीअ पहुचण में ब्लॉक अचे थो त हुनखे हार्ट अटैक इनडाइजेशन इनडाइजेशन डाइजेशन वारे अमल जो ई हिकिड़ो डिज़ीज़ आहे स्टमक सां रिलेटेड आहे अपर एबडोमन सां रिलेटेड आहे पेन और डिसकम्फर्ट इन अपर एबडोमन छो थींदो आहे इहो पेन कॉज्ड बाय टू मच फास्ट ईटिंग जल्दी जल्दी खाइण सां असां पंहिंजे फूड खे घणो च्यू न कंदा आहियूं अक्सर जेको फूड तव्हां खाओ हुनखे एतिरो च्यू कयो मैकेनिकल डाइजेशन सां पंहिंजे माउथ सां त उहो जॾहिं स्टमक में वञे त बिल्कुलु सिंपलर फॉर्म में हुजे ऐं ईज़िली डाइजेस्ट थी वञे अगरि असां जल्दी जल्दी खाईंदा आहियूं त उहो जल्दी सां असांजे माउथ मां एतिरो डाइजेस्टिड न हूंदो जेको अॻिते वञी करे स्टमक में वञी करे हुन में थोरा प्रॉब्लम थींदा त हुनखे डाइजेस्ट कजे एंड बाय ईटिंग स्पाइसी फूड ऐं स्पाइसी फूड खाइण सां बि असांजे अपर एबडोमन में पेन थींदो आहे डिस्कम्फर्ट फील थींदो आहे कॾहिं कॾहिं डिफरेंट शयुनि सां अक्सर असां चवंदा आहियूं मादे में सूरु आहे इहो मादो असांजो स्टमक ई आहे ओके थैंक यू एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर हाफिज़